सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं वापस आ चुका एक और वीडियो लेकर के माइनक्राफ्ट की। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए लेकर आया हूँ मॉर्फ मॉड। और गाइस, इस मॉड को यूज करने के बाद अपने माइनक्राफ्ट के अंदर किसी भी मॉब के अंदर मॉर्फ हो सकते हो और उनकी एबिलिटीज को गेन कर सकते हो। तो चलो गाइस, बिना किसी देरी के मैं आपको ये भी शो कर देता हूँ कि आप इस मॉड को अपने माइनक्राफ्ट के अंदर कैसे यूज कर सकते हो। और एट दी एंड मैं आपको ये भी शो कर दूंगा कि आप इस मॉड पैक को अपने माइनक्राफ्ट के अंदर इंस्टॉल कैसे कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे जितने भी मॉर्फ है ना, उनको अनलॉक कैसे करना है। यहाँ पे आपको पूरा पूरा मॉर्फ मेन्यू मिल जाएगा, जहाँ से आप किसी भी मॉब के अंदर मॉर्फ हो सकते हो। और अगर आपको जिस भी मॉब में मॉर्फ होना है, पहले तो आपको उसको अपने सर्वाइवल में किल करना पड़ेगा ताकि वो अपने मॉर्फ मेन्यू में ऐड हो जाए। अगर आपको उसको नॉर्मली मतलब फन के लिए खेलना है या फिर टेस्टिंग करने की मॉड एकदम सही से वर्क कर रहा है या फिर नहीं, तो आपको क्रिएटिव से खोलना पड़ेगा। सिंपली आपको एक फंक्शन कमांड टाइप करनी पड़ेगी, जिसकी कमांड है स्लैश फंक्शन अनलॉक ऑल मॉर्फ मॉब्स। और जैसे यहाँ पे आप उस कमांड को एग्जीक्यूट कर दोगे, यहाँ पे आपके मॉर्फ मेन्यू ना पूरा पूरा अनलॉक हो जाएगा। तो सिंपली आपको क्राउच करना है, जंप मारना है, वापस से खड़े होना है और अपने कहीं पर भी स्क्रीन के ऊपर टैप करना है। और यहाँ पे आपका जो मॉर्फ मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा। और जैसे आप टैप टैप करोगे, यहाँ पे आपका मॉर्फ मेन्यू वो आगे बढ़ता रहेगा, यानी कि नए नए मॉर्फ्स आते जाएंगे। और अगर आपको बैक करना है तो सिंपली क्राउच करके टाइप कीजिए, वो बैक जाने लग जाएगा। और यहाँ पे देखो, एंडर मैन स्केलेटन है, स्ट्रे है, वीदर स्केलेटन है, मैं क्रीपर बन जाऊँगा। तो क्रीपर बनने के लिए आपको सिंपली क्राउच करना है और जंप कर लेना है। और यहाँ पे अब मैं क्रीपर बन चुका हूँ। यहाँ पे आपको आवाज़ भी आएगी, थोड़ी साउंड इफेक्ट्स वगैरह, ताकि आपको थोड़ा देखने में मज़ा आए और सुनने में भी मज़ा आए, क्योंकि भाई रियलिस्टिक फीलिंग तो आनी चाहिए। खैर, रियलिस्टिक ऐसा रियल लाइफ में तो कोई होता नहीं है। खैर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मेरे को उसकी एबिलिटी मिल चुकी जो कि है एक्सप्लोड। और अगर मैं जैसे ही लॉन्ग प्रेस करूँगा, यहाँ पे एक्सप्लोड हुआ, बहुत ही खतरनाक वाला, और मैं वापस से स्टीव बन चुका हूँ। और तो और गाइस, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ ना, हंस के देता हूँ, क्योंकि ज़ॉम्बी मर जाएंगे दिन में, इसलिए कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर मेरे को वापस से मॉर्फ मेन्यू को अनलॉक करना है, तो मैंने मॉर्फ मेन्यू को अनलॉक कर लिया है। और यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ ना, बी बन जाते हैं। और अगर मेरे को यहाँ पे कहीं बी हाई मिल जाएगा ना, तो मैं उसके अंदर जा भी सकता हूँ। अगर यहाँ पे मैं खुद से लगाऊँ, उसके अंदर तो नहीं जा सकते, पर जो नेचुरली जनरेट होता है ना, उसके अंदर हम खुद से जा भी सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो बी को ढूंढते, पता नहीं कहाँ है बी। और ये रहे बी, हो जा और मॉर्फ में हो चुका हूँ बी के अंदर। और मैं अपने गेम मोड को सर्वाइवल में भी स्विच कर लेता हूँ, स्लैश गेम मोड एस। और यहाँ पे देखो, मेरे हार्ट भी बहुत कम हो चुके हैं। मैंने हस्क को स्पॉन कर दिया है और ये मेरे को कुछ भी नहीं कर रहा, पर अगर मैंने इसको मारा, ये मेरे को मारने ज़रूर आएगा। एज यू कैन सी, इसने मुझे मारना शुरू कर दिया, मेरे को हंगर इफेक्ट चढ़ गया है। पर यहाँ पर जब मैं बी हूँ तो मैं बड़ी आसानी से उड़ सकता हूँ। अगर यहाँ पे कहीं बी का हाई हुआ, बी का हाई क्या होता है, बी हाई हुआ, तो मैं उसके अंदर घुस सकता हूँ बड़ी आसानी से। जैसे कि आपने देखा होगा, बी लोग अपनी बी हाई में घुस जाते हैं, पर किसी को पता नहीं उसके अंदर क्या है। और अगर आपको घुसना है तो सिंपली आपको बी हाइव ढूंढना है, उसके नीचे जाके क्राउच करना है, जंप मारना है, जो भी करोगे आपका काम हो जाएगा और आप बी हाइव के अंदर घुस जाओगे। और अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा कूल है, मतलब आपको देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और देखना, फॉल डैमेज से कभी मत मर जाना। और अगर मैं वुल्फ को मारूं और यहाँ पे हवा में उड़ जाऊँ, तो ये तो बिल्कुल नहीं मार पाएंगे। और देखो, मैंने इनको मारा है तो इनको पॉइजन इफेक्ट चढ़ चुका है। भाई ये तो बहुत कूल चीज़ है, मतलब आप बी बन के किसी को मारोगे तो उसको पॉइजन इफेक्ट चढ़ जाएगा और वो एट दी रेट एंड वो आपको वन, मतलब वो आपके लिए वन हिट हो जाएंगे। तो ये कहाँ से मार रहे भाई, खैर मोबाइल ब्लॉक का हूँ तो मैं कहीं पर भी घुस भी सकता हूँ। तो गाइस, आपको इस मॉड को खुद से एक्सप्लोर करना चाहिए, तो आपको और भी ज़्यादा मजा आएंगे। और अगर आपको काफ़ी सारी वीडियो भी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चालू कर रहा है। और अगर आपको मॉड इंस्टॉल करने नहीं आते, तो डोंट वरी।